मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में कौन आगे है कौन पीछे, इसी सब पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, और मध्य प्रदेश में कई फैक्टर हैं, दलित फैक्टर, ओबीसी फैक्टर, सवर्ण फैक्टर, और उन सभी फैक्टर पर बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की कि मध्य प्रदेश में आखिर किसका पलड़ा भारी है और कौन वहां से बाजी मार रहा है। पिछली बार तो कांग्रेस ने वहां से सरकार बना ली थी, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत ने कांग्रेस की सरकार गिरा करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बन गई थी। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थल है, मध्य प्रदेश में ही मऊ जिला में हुआ था, और वहां का जो एक प्रकार से कहे कि दलित, खास करके दलित समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज चल रहा है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में शासन है वहां पर दलित उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। दलित उत्पीड़न जो यूपी में नहीं थमता है, दलित उत्पीड़न गुजरात में नहीं थमता है, दलित उत्पीड़न मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा है। और आपको पता है कि इस बार मध्य प्रदेश के दलित समाज किसके साथ जा रहे हैं, आपको एक एक फैक्टर समझाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में आखिरकार इतना गहमागहमी क्यों बना हुआ है, मध्य प्रदेश किसके साथ कौन सरकार बना रहा है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा। हालांकि आप दलित समाज के फैक्टर समझिए कि मध्य प्रदेश में दलित समाज जो है भाजपा से काफी नाराज है, दलित समाज वहां पर भाजपा के साथ नहीं जा रहा है, कांग्रेस के साथ जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है वहां पर दलित उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको बिहार से कंपैरिजन करें तो बिहार में कहे जाए तो सामाजिक न्याय के कई नेता जन्म लिए, जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, और सबसे बड़ी दलित नेता के तौर पे उभरे हैं रामविलास पासवान, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि बिहार में अब दलित उत्पीड़न तो होता है पर जघन्य अपराध नहीं होता है, जैसे दलित के ऊपर पेशाब कर देना, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकना, या फिर दलितों को के ऊपर लगातार जो है जघन्य अपराध बिहार में नहीं होता, इस तरह की कई एकदम ना के बराबर मामले आते हैं। पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में है कि दूल्हा अगर शादी में घोड़ी पर चढ़ जाए तो एक वर्ग को काफी दिक्कत हो जाता है, खासा दिक्कत हो जाता है, और वो वर्ग कौन है, सामंती विचारधारा के लोग, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से सवर्ण समाज से आते हैं, उन वो वर्ग जो है काफी नाराज होता है। और मध्य प्रदेश में आज भी दलित उत्पीड़न बहुत चरम सीमा पर, लगातार परसों का खबर है कि मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति को गाड़ी से बांध करके घसीटा गया, और कई मामले हैं मध्य प्रदेश में, और कई मामले जो कि वो एक्सप्लेन करना संभव नहीं, क्योंकि लगातार जो है मध्य प्रदेश में दलित उत्पीड़न हो रहा है। आपको पता होगा कि बीते दिन कुछ दिन पहले एक आदिवासी समाज के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पेशाब कर दिया था, और उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वहाँ पर उनको बुलाते हैं अपने आवास पे और गंगा जल से उनका पांव धोते हैं, और भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि मध्य प्रदेश में दलित फैक्टर जो है वो नाकाम होते दिख रहा है। मध्य प्रदेश में दलित वोट जो है अब शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का लगभग 18 वर्षों का कार्यकाल रहा है, मध्य प्रदेश की जनता अब इससे ऊब चुकी है। अब आने वाला समय में पता चलेगा कि मध्य प्रदेश किसके हाथे जा रही है, कौन वहां पर सरकार बना रही है, क्या राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा, या फिर वो ऐसे ही एक रोड शो के तौर पर एक फ्लॉप शो साबित होगा। अब ये तो जनता ही तय करेगी। बहरहाल आपको हमारा ये खबर कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जो हार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।